नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा सरकारी अस्पताल का निरीक्षण उपायुक्त डीसी रविशंकर शुक्ला ने किया। उपायुक्त के साथ जिले के सिविल सर्जन भी मौजूद थे। अस्पताल की कमियों को दूर करने के साथ ही मरीजों के लिए यहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया। आपको बता दें कि शिकारीपाड़ा के सरकारी अस्पताल में व्यवस्था की बहुत कमी है। पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के रहने की व्यवस्था नहीं है। प्रखंड क्षेत्र में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसको दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया। उपयुक्त संबंध में सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं। शिकारीपाड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन और MOIC भी साथ में थे। निरीक्षण के क्रम में साफ सफाई तथा जो मरीजों की सुविधा से संबंधित कतिपय कमियाँ नोटिस की गई और उनके संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ CHC के अंदर आने वाले सभी हेल्थ सब सेंटर और सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को फंक्शनल बनाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। कुछ बिल्डिंग्स जो यहाँ पर कंडेम हो चुकी हैं उनको डिमोलिश करते हुए उसके लिए स्पेस अवेलेबल कराने का निर्देश दिया गया है ताकि आने वाले समय में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, एक सवाल है कि यहाँ सर किसी तरह का मरीज आते हैं उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सर इस पर क्या कहेंगे? यहाँ एक अतिरिक्त चिकित्सक की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है काटीकुंड में जो पदस्थापित है उनकी, ताकि यहाँ पर परमानेंट डॉक्टर्स अवेलेबल रह सकें और उनका इलाज सुनिश्चित कर सकें। सर, यहाँ नाइट ड्यूटी में आयुर्वेदिक का डॉक्टर को लगा देते हैं? नहीं, अब आपको जब रेगुलर डॉक्टर मिलेंगे तो नाइट ड्यूटी में भी रेगुलर डॉक्टर। सर, यहाँ चिकित्सकों का आवास ही नहीं है, कैसे रहेंगे हमारे चिकित्सक? चिकित्सकों के आवास के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है और तब तक ये सुविधा उपलब्ध है कि यहाँ पर रहते हुए नज़दीक में आवासन करते हुए और निर्बाध रूप से लोगों को सेवा सुनिश्चित